ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साई सेवा समिति ने वर्ल्ड मदर डे पर ईएसआई अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हो, इसके लिए मार्गदर्शन भी दिए गए। महिलाओं को अवश्य दिशा निर्देश दिए गए ताकि वे स्वस्थ संतान को जन्म दे सकें। साई सेवा समिति ने ईश्वर अम्मा दिवस पर ईएसआई अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हों, इसके लिए मार्गदर्शन किया गया। महिलाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि वे स्वस्थ संतान को जन्म दे सकें। इस मौके पर चिकित्सक सविता अग्रवाल ने बताया कि भगवान साईं की माता ईश्वरी अम्मा अपने जीवन में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित रहती थी और उन्होंने महिलाओं की सेवा में अपना जीवन गुजार दिया। इसलिए उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रवाल ने बताया कि ईश्वर अम्मा दिवस पर साई सेवा समिति को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है और जहां एक ओर उन्हें निशुल्क प्रोटीन पाउडर दिया गया, वहीं उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए वेद मंत्रों का ज्ञान भी दिया गया ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के कान तक वेद मंत्र पहुंचे और उसमें सकारात्मक भाव उत्पन्न हो। श्री सत्य साई बाबा संगठन सोलन के द्वारा एक शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज को जो गर्भावस्था में हैं, उनको एक जानकारी दी जा रही है न्यूट्रिशन के बारे में। अनीमिया डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में उनको बताया जा रहा है। उनका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है और हम उनको एक वेद मंत्रों के द्वारा, जो आप सुनाई दे रहे हैं, उन वेद मंत्रों के द्वारा उनमें ये भावना डाल रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये वेद मंत्र सुनाने कितने जरूरी हैं, ताकि इनकी गर्भावस्था में ये इनका मन शांत रहे और ये आगे अपने आने वाले बच्चों को भी इतने ही संस्कार दें। और हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से हमारे बच्चे हैं वो अच्छे कल्चर में पैदा हों और वो अच्छे न्यूट्रिशन लें। जैसे जैसे हमारा यहाँ पर चेकअप हो रहा है, वहाँ इस चेकअप के बाद हम इनको एक प्रोटीन पाउडर भी देंगे। प्रोटीन पाउडर एक हमारी तरफ से एक प्रयास है कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस इनको पता लगे कि कितना ज़रूरी है ये प्रोटीन्स अपने शरीर के लिए भी और बच्चों के लिए भी।